बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असेंबली के बिल्कुल सामने। यहाँ पर जमात इस्लामी कराची का धरना पांचवें दिन भी जारी है और बड़े पुरअज़म लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला दोपहर से जारी है और बारिश के बावजूद यहाँ पर धरने में लोग मौजूद हैं, धरने की कार्रवाई जारी है। इस वक्त भी स्टेज की आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से। यहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग आए हुए हैं, सिख कम्युनिटीज़ और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले पाक सरजमीन पार्टी का वफद यहाँ पर आया था, डॉक्टर अरशद बोहरा, शब्बीर कायम खानी और दीगर लोगों के साथ। आप देख सकते हैं मनाजिर, सामने सिंध असम्बली का गेट है, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरा पिंडाल है, पूरा पिंडाल सजाया गया है। जिस तरह धरना जारी था उसी तरह बारिश के बावजूद धरना जारी है। अगरचा इंतजामिया ने, जो मुंतजमी ने जमात इस्लामी के, उन्होंने स्टैंड के ऊपर प्लास्टिक लगाई है, कनोपीज लगाई गई है जगह जगह, जिसके नीचे इस वक्त भी पीछे आपको बैकग्राउंड पे साबिक एमपी हमीदुल्ला खान एडवोकेट और दीगर कायदीन नजर आ रहे हैं, कारकुनान नजर आ रहे हैं बैठे हुए। मीडिया के कैमरों के लिए भी कनोपी लगा दी गई है, जिसके नीचे मीडिया के जो सारे दोस्त हैं वो कैमरा मैन यहाँ पर बैठे हैं। महबूब भाई भाई, माशाल्लाह जमात इस्लामी का ये बहुत अच्छा इंतजाम है बारिश पे, और इस तरह का जिस तरह इंतजाम इन्होंने किया है, मैं नहीं समझता कोई और तो यहाँ से भाग चुका होता। महबूब भाई हमारे सीनियर उस्ताद भी हैं, जियो के चीफ कैमरामैन समझ लें आप, हमारे उस्ताद कह लें, बड़े भाई समझ लें। बारिश के बावजूद यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी मीडिया के भी सारे साथी हमारे यहाँ पर बैठे हुए और कवरेज भी कर रहे हैं, अपनी जो पेशा वराना फ़राइज़ है उसकी अंजामदही कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर लोग हैं बैठे हुए, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। ये एक बुजुर्ग बैठे हैं, थैली ओढ़ी हुई है, आपने बारिश से बचने के लिए थैली ओढ़ी हुई है जी? बारिश से बचने के लिए थैली ओढ़ी हुई है जी 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 जी। घर क्यों नहीं जा रहे? घर कैसे जाएंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी? हम नहीं जाएंगे, यही घर है, यही घर है। ये सुन लिया आपने, ये कह रहे कि जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी हम घर नहीं जाएंगे, यही हमारा घर है और हम यहीं बैठे रहेंगे। ये लोग हैं, ये भी, आप कहाँ से आए? ये लांडी से आए। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? धरने के लिए, काला कानून ना मन। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सर्दी लग रहा है, बैठे हैं। हम बैठेंगे तो कामयाब हो गए ना इंशाल्लाह। ये है अजम, ये कहते हैं कि हम बैठेंगे तो हमारे मसले हल होंगे। यहाँ पर हमीदुल्ला खान एडवोकेट साहब, साबिक एमपी है बैठे हुए, हमीद साहब बारिश में यहाँ बैठे हुए, कब तक बैठे रहेंगे? ये इंशाल्लाह जब तक ये धरना जारी रहेगा हम इंशाल्लाह इस धरने में मौजूद रहेंगे, जब तक हमारे मुसलमान मान नहीं किए जाते तब तक इंशाल्लाह, और जब तक आएगी या बैठे रहेंगे हम इंशाल्लाह। जबरदस्त, ये अहमदुल्ला खान साहब थे, साबिक एमपी है, सभी लवान साहब मौजूद हैं, पूरी थैली पहनी भी है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं तो ये थैली को आप कफन नहीं समझ लें, मैं तो इसी मैदान में रहूंगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बारिश जो कुछ भी हो हमारे कदम जो है ना वो डगमगा नहीं सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हौसला सिंध हुकूमत भी देख ले कि किस तरह लोग पुरअज़म है, मुनज़्ज़म है। मैं कुछ स्टेज के मनाज़र आपको दिखाऊं, फिर पीछे लेके जाऊंगा जहाँ पर पंडाल में लोग बैठे हुए, अगर थोड़ी सी जगह देते मुझे। तो ये स्टेज के मनाज़र हैं जहाँ पर धरना जारी है, चल रहा है, उसके बिल्लियां दौड़ रही हैं, क्या बिल्लियां और चूहे बनेंगे? आप बर्जिया लेना चाहते हैं, बर्जिया के अस्पताल लेना चाहते हैं? ना करो यार, ना करो, बस हो गया। और कोशिश कर रहे हैं कवर कर सकते, एक साहब थैली पहन के बारिश में थैली पहन के खड़े हुए, आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड नहीं लग रही आपको? धरने के जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह लोग बारिश में ठंड में मौजूद हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए, बड़ी तादाद में टेंट के नीचे भी लोग बैठे हुए, कहते हैं जाएंगे नहीं, ठंड नहीं लग रही, बारिश में घर क्यों नहीं जा रहे? घर क्यों जाएंगे भाई? नहीं भाई ने बोला है कि हम हक लेके जाएंगे, हक लेके ही बैठेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है। रात को बारिश तेज हो जाएगी तो तेज हो जाएगी, कोई मसला नहीं, इधर हम बैठे हुए। ये अजम है, ये एक फोर्स यहाँ बैठी हुई है, एक फोर्स आगे खड़ी है, और ये थकने वाले नहीं है। पब्लिक एड का जो सेक्रेटेरिएट है वो भी यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ पर पब्लिक एड कमेटी जो कराची की बैठी हुई है लोगों के मसाइल सुनने के लिए। अभी मैं आपको पीछे तक लेके जाता हूँ कि जहाँ पर लोग मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर बाकायदा खाना खाया जा रहा है। आने वाले वहाँ की बना लो, क्या क्या लेके आए हुए? ये जलेबी है, मूंगफली है, समोसे हैं, रोल्स हैं और गुड़ है जी भाई, गाजर का हलवा भी है यहाँ पे गाजर का हलवा खाली कर दिया है लोगों ने, और ये गाजर का हलवा खाली कर दिया, मुझे नहीं खिला रहे, जलेबी है, जलेबी खिला दे भाई।
जलेबी है इनके साथ, जलेबी खाते हैं। नबील भाई हैं बैठे हुए, जलेबी मैं खा लूं। भाई जलेबी भी मिल रही है धरने में, आ जाओ। जलेबी भी है, मूंगफली भी मुझे नजर आई यहाँ पे। लोग अब ये चाय पीने जा रहे हैं इनके साथ, इंशाल्लाह चलते हैं। आप देख सकते हैं धरना भी जारी है और खाने पीने का इंतजाम भी है, जलेबी भी है, मूंगफली भी है। बैठे हुए लोग जबरदस्त अंदाज के अंदर, पुरजम अंदाज के अंदर भी देखें, धरना जारी है और जमात इस्लामी वालों का अजम भी मुनज़म है। बिल्कुल पीछे तक मैं आया हूँ ताकि मैं आपको उस सूरत हाल दिखाऊँ कि किस तरह यहाँ पर अभी भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ पर अलखदमत की एम्बुलेंस भी मौजूद है। अलखदमत की एम्बुलेंस में जो है साथ साथ में जलेबी भी खा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, एम्बुलेंस भी दिखाता हूँ, मेडिकल जो मोबाइल अस्पताल है वो भी मौजूद है, वो भी दिखाता हूँ। ये मोबाइल अस्पताल है, एम्बुलेंस खड़ी है साथ में। अभी हमारी बात हुई डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों से, तो उनका कहना था कि अगर रात में तेज बारिश होती है तो सड़क से पानी निकालने का भी इंतजाम किया गया है। और इंशाल्लाह ये देखिए, ये यहाँ पर लोग कनोपी के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत जबरदस्त मनाजर है। ये देखे पूरी थैली पहनी हुई भाई ने, पूरी थैली पहनी हुई है। क्यों आप खड़े भाई बारिश में? अपने हुक्म के लिए। घर को नहीं जा रहे? घर जाएंगे हम, अमीर साहब कहते चले जाएंगे। जबरदस्त, ये इनका आजम है कि अमीर साहब कहेंगे तो घर जाएंगे और अगर नहीं कहेंगे तो घर नहीं जाएंगे, धरना जारी रहेगा। ये मोबाइल देखें, बारिश में बैठे हुए सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन ट्वीट कर रहे होंगे, अपनी यहाँ की एक्टिविटीज दिखा रहे होंगे। और धरने के इनायतुल्लाह इस्माइल साहब इनायत पे भी बैठे हुए हैं, इनायत पे कैसा लग रहा है? जबरदस्त। बारिश हो रही, घर को नहीं जा रहे? घर को नहीं जा रहे, घर में आए हुए यार, घर भेज रहे हैं। जलेबी खाएं, जलेबी भाई इनायत पे पिछले घर क्या करेंगे वही भाई, कल सुना उलमा आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ इंशाल्लाह कल उलमा इकराम और मदारिस के तलबा इंशाल्लाह धरने में शरीक होंगे और बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह देखेंगे और इजहार यकजहती करेंगे कराची के हुकूक के लिए। बहुत शुक्रिया आप ये जो है कवरेज कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं तमाम उलमा इकराम और तलबा से, मदारिस के तलबा से मैं खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि कल 1 बजे से लेकर शाम तक धरने के अंदर आपको खुसूसी तौर पर शिरकत करनी है। ये अब्दुल वहीद साहब थे, मौलाना अब्दुल वहीद, और ये बता रहे थे कि कल उलमा जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर उलमा है, तलबा है, वो भी पहुँच रहे हैं और धरने में शामिल हो रहे हैं। गले भी मेरी ख़त्म हो गई और आगे चलते हैं। लोग बैठे हुए हैं, यूसुफ भाई बस्ती यहाँ पर बैठे हैं, चल रहा है गपशप चल रही है और साथ साथ धरना भी जारी है। लोग अच्छा घर जैसा माहौल बनाया हुआ है लोगों ने, इंजॉयमेंट अपनी जगह और हकूक की जद्दोजहद अपनी जगह। एक बार फिर मैं यहाँ पर आकर के आपसे अपील करूँगा कि निकलिए अपने मसाइल के हल के लिए, कराची वालों आपको निकलना होगा। अगर आप निकलोगे तो मसला हल होगा, अगर आप निकलोगे तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अगर आपको पानी चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए, बल्दियाती हकूक चाहिए, आज़ादी चाहिए अपने सांसों लेने के लिए, जागीरदारों से, बडेरों से, सरमाएदारों से, तो निकलो और सिंध असेंबली के बाद धरने में शामिल हो जाओ। हाफिज नईम का साथ दो, जमात इस्लामी का साथ दो, क्योंकि यही कराची आपका है, पाकिस्तान आपका है, सिंध आपका है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।